Dear students in this topic we shall discuss the sarcoplasmic reticulum and its role in muscle contraction the sarcoplasmic reticulum is a network of membrane bound tubules which extend throughout the muscle cell this network extends on जी डिस्क एंड एक्सटेंड फ्रॉम वन जी डिस्क टू दिन एक जी डिस्क से लेकर दूसरी जी डिस्क के दरमियान में एक नेटवर्क सार्को प्लाज्मिक एटिकुलम का होता है ये जो सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत सारे एस्पेक्ट में दूसरे सेल्स में पाई जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलता जुलता है

जो सार्कोप्लाजमिक कैटिकुलम है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके दो मेजर हिस्से हैं नंबर वन टर्मिनल सिस्टर्नी एंड नंबर टू द लॉन्गिट्यूडल ट्यूब्यूल्स टर्मिनल सिस्टर्नी आर लार्जर चैंबर्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द टी ट्यूब्यूल्स ये दोनों जो है इनकी एसोसिएशन इतनी क्लोज है कि इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली अबाउट ट्वेल्व नैनोमीटर टर्मिनल सिस्टर्नी आर प्राइमरी साइट ऑफ कैल्शियम रिलीज जो सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिकुलम कैल्शियम रिलीज करती है वो एक्चुअली पूरी सार्कोप्लाज्मिक कैटिकुलम नहीं करती बल्कि उसका ये जो टर्मिनल सिस्टर्नी वाला हिस्सा है इट इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम रिलीज बिकॉज दिस पार्ट हैज स्पेशल प्रोटीन चैनल इन एट विच ओपन एंड दीज चैनल ओपन विथ एक्शन पोटेंशियल इन टी ट्यूब्यूल एंड जब ये ओपन होते हैं तो उस वक्त कैल्शियम रिलीज होती है जो दूसरा हिस्सा है सार्कोप्लाजमी कैटिकुलम का यानी के लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल दे रन बिट्वीन दर्मिनल सिस्टर्नी एंड सराउंड मायोफाइब्र दो साइडों पर टर्मिनल सिस्टर नहीं है उनके दरमियान में जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है वो लॉन्ग लॉन्गिट्यूडल ट्यूब्यूल्स का है और ये वो हिस्सा है जो कि मायोफाइब्रिल्स को सराउंड करता है दीज लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स आर दी साइड्स वेयर कैल्शियम आइन एब्सॉर्बेशन अकर्स बिकॉज दिस पार्ट हैज आयन चैनल्स विच आर कार्ड कैल्शियम पंप्स ये जो कैल्शियम पंप्स हैं ये कैल्शियम आइन्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं यानी कि कैल्शियम सिक्वेस्टरिंग में इन्वॉल्व है तो सार्को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म से कैल्शियम आइंस को सिक्वेस्टर करता है जबकि टर्मिनल सिस्टर वाला हिस्सा कैल्शियम आइंस को कॉन्ट्रेक्शन के वक्त रिलीज करता है स्टूडेंट दैल्शियम आइन सिक्वेस्टिंग इज दिन फंक्शन ऑफ सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि अभी हमने बताया कि सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आइन्स की सिक्वेस्टिंग करती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम पंप इन दैमब्रेन दीज पम्प एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आइंस

एक प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं जिसे कहते हैं कैल्सिक्वेस्ट्रीन प्रोटीन इस प्रोटीन का हर मालिक्यूल अपने साथ तकरीबन 50 कैल्शियम आयंस को बाइंड करता है इस बाइंडिंग का इफेक्ट यह होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूज के अंदर फ्री कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम रहती है और एज ए रिजल्ट इट कैन सिक्वेस्टर मोर एंड मोर Calcium ions from the cytoplasm. Dear students, the calcium ion sequestering is important because, due to this activity of sarcoplasmic reticulum, the cytosolic concentration of calcium ions remains below. 10 raised to, uh, raise to power minus 7 molar. This concentration is actually required for three purposes. Number one, to remove calcium ion from the troponin, to prevent contraction, and to relax the muscle fiber. यही जो कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं ये कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब एक, एक एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू अराइव होता है तो ये टी ट्यूब्यूल्स से इफेक्ट करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टर्मिनल सिस्टर जहां पर मौजूद कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो दे रिलीज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आइंस इन टू द साइटोसोल वेन कैल्शियम आइंस आर रिलीज इन टू द साइटोसोल द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइंस इनक्रीजेज एज ए रिजल्ट कॉन्ट्रेक्शन बिगिंस।